वो पहेली है जिसे आज तक कोई बूझ नहीं पाया। जो अपने जैसा हो मन कभी उससे लगन नहीं लगाता है, जो एकदम अलग हो जाके उसी से जुड़ जाता है। प्यार होता है सफेद और काले के बीच, अंधेरे और उजाले के बीच, दिन को रात से, सूरज को चांद से, पानी को पत्थर से, नदिया को कंकर से। प्यार हो गया महलों वाली सती को मरघट वाले शंकर से। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा प्यार कि नेह की धारा किनारे तोड़ के बहने लगी। सती के मन मंदिर में एक बार शिव विराजे तो किसी और प्रतिमा के लिए स्थान न रहा। मन ही मन सती ने कह दिया अपने शिव से, मेरा प्रेम अनछुआ है, मेरी प्रीत है कुमारी, किसी और को न दूंगी वो जगह जो है तुम्हारी। क्या
तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, बस अंत में इतना और कह देना, सब में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। विदीप्ता, मुझे तो आप में एक बहुत बड़ी हीरोइन भी दिखती है। क्या एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी दिखती है। अब आ रही है वो जो सिंगिंग करे या कुकिंग, साइकिलिंग करे या टिकट बुकिंग, जिंदगी कितनी भी व्यस्त है पर ये और इनका परिवार शिवजी की आराधना में मस्त है। तभी जिनकी सिंगिंग और जीवन में है इतनी मिठास, सर्व गुण संपन्न शेजूती दास। जिस प्रेम का विरोध ना हो वो कभी अमर प्रेम नहीं बन पाता। शिव सती के प्यार को अमर होना था, शायद इसीलिए भावनाओं की शीतल हवाओं से बाधाओं के पर्वत अटकराए। सती के पिता राजा दक्ष, उन्होंने स्पष्ट कह दिया, जिसे जन्म दिया अपने हाथों से उसके प्राण ले लूंगा, पर अपनी बेटी एक बंजारे को नहीं दूंगा। तुझे शिव को भूलना ही होगा सती। सती ने तड़प के कहा, कैसे भूलूं, किस तरह भूलूं, तुम तो वैसे कह रहे हो जैसे मेरे बस में है, मैं उसे कैसे भुला दूं जो मेरी नस नस में है। दक्ष ने याद दिलाया, कहां ये महलों के भोग विलास, कहां वो बर्फ से ढका हुआ कैलाश, कहां अनगिनत दासियां और दास, और कहां वैभव से वैराग, सुखों से सन्यास, मैं अपनी ही बेटी को ये यातना भरा जीवन कैसे दे दूं। सती ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी, मैं नाम जपूं मेरे प्रियतम का, इतना अधिकार मुझे दे दो, सब धन माटी है मेरे लिए, बाबा मेरा प्यार मुझे दे दो। बल बल जा
क्या बात है? माने सबने तालियां तो बजाई हैं, लेकिन संजुति के लिए ये तालियां भी थोड़ी पड़ जाती है, क्योंकि जिस गुणातीत भक्ति में, ये शिव पार्वती के प्रेम के लिए मैं कह रहा, हम महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती के प्रेम की गाथा जन जन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो प्रेम सच में गुणातीत था, भावातीत था, देहातीत था। फिर भी जो तुमने गाया है संजुति, वो अप्रतिम है। मैं निशब्द सा हो गया। बहुत सुंदर। रामेश्वरम का मंदिर इस बात का प्रमाण है और प्रतीक है कि प्रभु श्री राम शिव जी के कितने बड़े भक्त थे। और हम सब जानते हैं कि आगामी सिंगर प्रभु श्री राम के कितने बड़े भक्त हैं। एक अति टैलेंटेड लड़का जिसकी भक्ति ऐसे परम आत्माओं से जुड़ी हो, उसे कौन रोक सकता है फ्रॉम बीइंग द नेक्स्ट बिग थिंग? देश का दुलारा ऋषि सिंह। पर ऋषि की परफॉर्मेंस से पहले शिव जी और सती जी के पहले मिलन की कहानी बताने मुस्कुराते हुए आ रहे हैं मनोज जी। एकांतवासी आदि योगी निर्गुण निराकार शिव को उनका प्रेम मिल गया। पूरी सृष्टि खुशी से झूम उठी, डाल डाल लचक रही थी, फूल फूल गा रहा था, सारा ब्रह्मांड शिव और सती के महामिलन का उत्सव मना रहा था। छुआ ओ देवा देवा ओ देवा देवा नमः।
सच में इस लड़के ने बहुत अच्छा गाया है, जोरदार तालियां बजाओ इसके। ऋषि बेटा तुम देखो, शिव बनो या ना बनो, तुम सच में राम की अयोध्या से आए हो। तुम मर्यादा में रहने वाले बहुत प्यारे अच्छे बालक हो और मर्यादा में ही गाते हो। मैंने कहा ना, इस बार की शिवरात्रि देश ने पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक होने वाली। देवाधिदेव महादेव सहित सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए। एक दिन सती को सूचना मिली कि उनके पिता राजा दक्ष बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, ऋषि मुनि सबको बुलाया गया है, बस शिव और सती को नहीं बुलाया। सती ने सोचा, पिता हैं, रूठे हुए हैं, जाके मना लेती हूं, आखिर मैं हूं तो उनके कलेजे का टुकड़ा ही, कब तक मुझसे रूठे रहेंगे। सती आ गई दक्ष के महल बिना बुलाए। दक्ष ने उनको देखा तो बेटी का स्वागत बाहें खोल कर नहीं, गले लगा कर नहीं, तानों के तीर चलाकर किया। क्या हुआ, उस बंजारे ने तुझे छोड़ दिया या कैलाश के कष्टों से घबरा के तू स्वयं पिता के महलों में वापस आ गई? अब पता चला वो कोई महायोगी नहीं, सिर्फ एक भिक्षु है, डमरू बजाने वाला एक मदारी। सती से शिव का तिरस्कार सहन नहीं हुआ, उनकी आत्मा रो पड़ी। वेदना इतनी बढ़ी कि जीवन ही व्यर्थ लगने लगा। सामने यज्ञ का हवन कुंड था, उसमें दहकती हुई अग्नि थी। सती ने शिव को स्मरण किया और कूद पड़ी धधकती हुई ज्वाला में। शिव का प्रेम स्वाहा हो गया, उनकी शक्ति चली गई, अर्ध नारीश्वर सचमुच अधूरे हो गए। ये अधूरापन उस विष से ज्यादा भयावह था जो शिव ने अपने गले में रोक रखा था। विरह वेदना से विक्षिप्त हो गए शिव, उठा लिया सती का शव अपने हाथों पर और बन गए भोलेनाथ से महारुद्र। चटक गए हिमालय के पाषाण, पिघल गई हिमालय के बर्फ, तीनों लोग सूखे पत्ते की तरह थर्रा उठे। आज शिव नहीं, साक्षात ओंकार प्रलय तांडव कर रहा था। छिन गया आज तो ज्वालामुखी है क्रोध मेरा, मरघटों का देवता हूं, शिव हूं मैं, आज देखेगा जगत प्रतिशोध मेरा। प्रार्थना करना कि जब तक सृष्टि है, टूट के कोई न रोए प्यार में, रक्त टपका यदि प्रणय की आंख से, तो प्रलय होगी सकल संसार में। बोलता हूँ तीसरा मैं नेत्र अपना, मृत्यु तांडव होगा अब सर्वस्व पर, कंठ में जो रोक रखा है युगों से, विष उगल दूंगा वो पूरे विश्व पर।
तोड़ दूंगा तारिकाएं मैं गगन की और धरा का घूमना भी रोक दूंगा। जिस अग्नि में जल गई तुम आज प्रियतम, मैं उसी अग्नि में ये जग झोंक दूंगा। शूल के जैसे तीन तीन बल फड़ते हैं, कान पे जुएंगे भैया तो राण बजा चल पड़ते हैं, माथे पर त्रिशूल के जैसे तीन तीन बल फड़ते हैं, कान पे जुएंगे भैया तो राण बजा चल पड़ते हैं। गली गली में कई बार तो हमको ये लग रहा था कि शायद अभी थोड़ी देर में सृष्टि में कहीं प्रलय ना हो जाए। माने क्या बात, ऐसा ऐसे एक वातावरण ऐसा सृजित हो गया। और नवीन तुम में शौर्य तो पूरा है भैया। थैंक यू नवदीप। सती को खोकर शिव का मोह भंग हो गया, वो कैलाश लौटे और महासमाधि में चले गए। लेकिन उस दिन दक्ष के हवन कुंड में वहां सिर्फ सती का शरीर जला था, उनका प्रेम नहीं। शिव को एक मौन संदेशा भेजा था सती ने, मैं छोड़ रही हूं प्राण पिया, जाती हूं तेरी कसम लेकर, इस बार तो प्यार अधूरा रहा, लौटूंगी अगला जन्म लेकर। एक सौ सात बार सती ने जन्म लिया शिव तक पहुंचने के लिए, उनकी महासमाधि को तोड़ने के लिए। 107 जन्मों तक उनका प्रेम शिव की प्रतीक्षा करता रहा। 108वें जन्म में सती पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती बनकर जन्मी और हमेशा हमेशा के लिए अपने शिव की हो गई। आज बड़ा शुभ दिन है, शिव जी की बारात निकलने वाली है पार्वती को ब्याहने के लिए। बाराती कौन कौन है जानते हैं? देवी देवता, यक्ष, किन्नर, सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, डाकिनी, शापिनी, राक्षस, बेताल, घोड़े, हाथी। अरे आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? बोलिए बम बम भोले और बन जाइए शिव के बाराती। तुम्हें तो छोड़ू तो मर जाओ, अगर भाग 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 भ
चले बाल की सजाई के भभूती लगाई के हार शिव जी बिहाने चले बाल की सजाई के भभूती लगाई के हार शिव जी बिहाने चले बाल की सजाई के भभूती लगाई के हार शिव जी बिहाने चले बाल की सजाई के भभूती लगाई के शिवजी बिहाने चले बाल की सजाई के भभूती लगाई के हार शिवजी बिहाने चले बाल की सजाई के भभूती लगाई के हार शिवजी बिहाने चले बाल की सजाई के भभूती लगाई के हार शिवजी बिहाने चले बाल की सजाई के भभूती लगाई के हार इंडियन आइडियल ने जो महाशिवरात्रि का जो उत्सव मनाया है, इस बार के एपिसोड ने तो एकदम पूरा कमाल धमाल, क्या बोले, एक कीर्तिमान बना दिया। और जो कुछ बच्चों ने गाया है ना, वाह, वो तो धरोहर हो गई है संगीत की। क्या जोरदार, अभिनंदन। शिव और पार्वती मिलके हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। प्रेम ने अपना शिखर छू लिया और इसी प्रेम से जन्मे सुख करता दुख हरता एक दंत दयावंत वक्रतुंड महाकाय प्रथम पूज्य श्री गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता। बोलो गणपति बप्पा। Shree Ganesha, Deva, 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 Shree Ganesha,
शिव और पार्वती के पूरे प्रसंग को निशब्द रह करके और रेत की लकीरों से जिन्होंने सब कुछ कह दिया, वाह, ऐसे नीतीश के लिए जोरदार अभिनंदन। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीतीश, वी लव यू। थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।